हेलो फ्रेंड्स, मैं सिया दिल्ली से। मेरे चैनल गार्डनिंग विद सिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे अजवाइन के बारे में। ये देखिए फ्रेंड्स, ये अजवाइन का प्लांट है और अगर ये आपके गार्डन में नहीं है तो हेल्थ के पर्पज से आप इसे अपने गार्डन में ज़रूर ऐड ऑन करें। फ्रेंड्स, इसके जो हरे पत्ते होते हैं इन्हें ओरिगेनो भी बोलते हैं और फ्रेंड्स इसकी पत्तियां हैं जो बहुत रसीली होती हैं और इसका यूज़ हम पिज़्ज़ा में भी करते हैं। ज़्यादातर लोग इसे ऐसे ही जानते हैं लेकिन इन पत्तों के कई फायदे हैं। इसके खाने में फ्लेवर में अलग तरह का स्वाद होता है और आप घर में भी अजवाइन की पत्तियों को सुखाकर ओरिगेनो इजीली बना सकते हैं। फ्रेंड्स, इनकी पत्तियों में विटामिन ए और सी भरपूर होने के साथ साथ इसमें एंटीऑक्सीडेंट की भी अच्छी मात्रा होती है। अजवाइन के पत्तों को अलग अलग नाम से जानते हैं, ओरिगेनो, सेलेरी और इंडियन बोरेज के नाम से हम इनके जानते हैं। अजवाइन के पत्ते पाचन और इम्यूनिटी मजबूत करने में हमारी बहुत हेल्प करते हैं। फ्रेंड्स, ये प्लांट कम धूप में भी चल जाता है और इसे कम धूप की नीड होती है और ये उसमें जो सेमी शेडेड एरिया में अगर हम इसे रखते हैं तो ये बहुत इजीली ग्रो करता है। और सबसे मेन बात ये है कि ये कटिंग से बहुत इजीली ग्रो हो जाता है और इसकी फ्रेंड्स अगर आप मिट्टी में देखेंगे तो इसकी जो जड़ें होती हैं वो ऊपर ऊपर होती हैं और हम इनको ज़रा सा अगर मान लीजिए टच करते हैं, थोड़ा सा इस पर ज़रा सा पुश करते हैं तो ये वहीं से टूट जाता है और ये कहीं पर भी गिरता है तो ये वहीं पर उग जाता है। फ्रेंड्स, इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं इस प्लांट के और मैं सच बताऊँ तो डेली मैं इसकी 10 से 12 पत्तियाँ डेली मैं खाती हूँ और ये मैंने अपने जो गार्डन में है काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में मैंने इसे लगाया हुआ है। इसकी पत्तियाँ फ्रेंड्स हर साइज़ में होती हैं, छोटी भी होती हैं और बड़ी भी होती हैं। आप ये देख सकते हैं, ये छोटी छोटी पत्तियां हैं और ये बड़ी पत्तियां हैं। ये देखिए कितनी बड़ी पत्तियां हैं इनकी। और मैं जो अगर मैं इनको खाने के लिए मैंने यूज़ करती हूँ तो मैं ज़्यादातर बड़ी पत्तियों का ही यूज़ करती हूँ। और फ्रेंड्स, एक चीज़ और, इनके बहुत टेस्टी पकौड़े भी बनते हैं। मुझे याद है बचपन में मेरी फ्रेंड की मम्मी हमें इनके पकौड़े बनाकर खिलाया करती थी और उस टाइम से इतना नहीं पता था उस टाइम में कि हम बड़े हो जाएंगे तो एक दिन हम इसी की गार्डनिंग करेंगे, ये हमारे गार्डन में होगा और इसके बहुत यम्मी पकौड़े बनते हैं। जैसे आप पालक के पकौड़े बनाते हैं उसी टाइप से इसके पकौड़े भी बनाकर देखें, बहुत टेस्टी लगते हैं। और फ्रेंड्स, इसमें प्रोटीन, फैट, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स की भरपूर मात्रा होती है। तुलसी की पत्तियों की तरह आप अजवाइन की पत्तियों को बहुत अच्छे से इजीली से कच्चे से चबाकर खा सकते हैं और इसकी चाय भी बनती है। अजवाइन की पत्तियों को अगर आप जूस बनाकर पियेंगे तो वो भी बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है उसका भी। वैसे तो फ्रेंड्स ये साल भर हमारे गार्डन में बना रहता है लेकिन जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है मई जून के महीने में तो उस टाइम में थोड़ा सा ये ग्रो नहीं करता है। और अब जैसे ठंडा मौसम है, सितंबर अक्टूबर का मंथ चल रहा है तो आप उसमें इसको इजीली ग्रो कर सकते हैं, बहुत इजीली ये ग्रो हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त होती है और इसकी खुशबू चारों तरफ इतनी अच्छी से फैल जाती है कि वो बहुत अच्छी लगती है। और अगर हम सुबह सुबह इसकी पत्तियों को चबाते हैं तो वो हमारे खाली पेट के दर्द के वो ही नहीं सही करता, खाली पेट की बीमारियों को ही नहीं भगाता और भी बहुत सी बीमारियों में हमारे ये उनको दूर करता है। और फ्रेंड्स, मैं इस चीज़ को अपना चुकी हूँ, एक्सपीरियंस ले चुकी हूँ मैं इस चीज़ का और डेली ही 10 से 12 पत्तियाँ खाना मेरे रूटीन में है। फ्रेंड्स, इसे आप घर में लगाने के साथ साथ आप इसे एक किसी भी प्लांटर में लगा सकते हैं। ये देख सकते हैं, ये आप मेरा 10 इंची का प्लांटर है और ये एक 12 इंची का प्लांटर है और मैंने इनमें ग्रो किया हुआ है। यहाँ तक कि मैंने इसकी एक हैंगिंग बास्केट भी बनाई हुई है जो नीचे मेरी बालकनी में है। फ्रेंड्स, जो घर में अजवाइन के सीड्स होते हैं आप उनसे इसको ना लगाएं, या तो आप इसे कटिंग से लगाएं और या फिर नर्सरी से इसके सीड्स लेकर आएं, उन्हीं से इसे लगाएं। और आप इसका पौधा भी खरीद कर ला सकते हैं और किसी भी नर्सरी में बहुत इजीली ये प्लांट मिल जाता है। अजवाइन का प्लांट लगाने के लिए फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। अगर मान लीजिए ये प्लांट शुरू में ही ग्रो नहीं होता है तो आप समझ जाएं कि इसे नहीं लगाया जा सकता, आप इस पौधे को हेल्दी ही खरीदें नर्सरी से।
बहुत ज़्यादा खाद की, बहुत ज़्यादा किसी न्यूट्रिशंस की या किसी फर्टिलाइज़र की से नीड नहीं होती है। अगर आप इसमें चाय की पत्ती की कंपोस्ट डालेंगे तो वो भी इसके लिए बहुत अच्छी होती है। अदरवाइज़ थोड़ा थोड़ा आप इसमें वर्मी कंपोस्ट डाल दें महीने दो महीने में एक बार, तो ये उसी से बहुत अच्छे से ग्रो करता है। बहुत ज़्यादा धूप की से नीड नहीं होती और बहुत ज़्यादा पानी की भी इसे नीड नहीं होती। फ्रेंड्स, आप हमेशा इसकी पत्तियों को नीचे की साइड से तोड़ें, ऊपर से ना तोड़ें। अगर ऊपर से आप पत्तियां तोड़ते हैं तो उनकी ग्रोथ रुक जाती है, और नीचे से ही आप इनकी पत्तियां लें। नीचे से पत्तियां लेने में दो बेनिफिट हैं, एक तो प्लांट की ग्रोथ नहीं रुकेगी और दूसरा पत्तियों का साइज भी आपको बड़ा मिलेगा और आपका प्लांट बुशी भी होता चला जाएगा। जो हम अजवाइन अपनी किचन में यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, ये वो बिल्कुल भी नहीं है। इस प्लांट में फ्रेंड्स जल्दी से कीड़े नहीं लगते, इसलिए आप इसमें कोई भी कीटनाशक यूज़ ना करें। फ्रेंड्स, इसको धूप की बहुत ज़्यादा नीड नहीं होती है, लेकिन फिर भी इसमें दो घंटे की धूप अगर आप डेली दिखाते हैं तो आपका प्लांट अच्छा चलेगा। और जब तक इसकी मिट्टी में मॉइस्चर है तब तक आप उसमें पानी ना डालें। बहुत ज़्यादा पानी की, जैसे कि मैंने बताया, इसमें नीड होती ही नहीं है। अगर इसमें बाई चांस फंगस वगैरह लग जाती है फ्रेंड्स, अगर हम इसकी केयर नहीं करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप इसमें सिर्फ ऑर्गेनिक कीटनाशक का ही यूज़ करें। इसे खाने से फ्रेंड्स हमारी स्किन भी हेल्दी रहती है, हमारी हेल्थ भी हेल्दी रहती है। और मैं वही आपको बता रही हूँ फ्रेंड्स जो मैंने रियलाइज़ किया है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आज से ही नहीं, मैं जब गार्डनिंग नहीं करती थी तब भी मेरे पास कुछ प्लांट्स थे और उन प्लांट्स में एक ये भी प्लांट था, तो इसके मैं उस टाइम भी बहुत ज़्यादा लीव्स खाने लग गई थी और 10-12 लीव्स मैं इनकी डेली ही खाती थी। तब तक मुझे इसके बेनिफिट नहीं पता थे, बट अब मुझे इसके बेनिफिट पता लगे हैं और मैंने अपने ऊपर इन चीज़ों को आजमाया है और मैंने इसका भरपूर बेनिफिट उठाया है। तो फ्रेंड्स, आप भी मेरी तरह से अपने गार्डन में ये अजवाइन का पौधा ऐड ऑन करें और इसका जो हेल्थ बेनिफिट है वो अच्छे तरह से लें और इसका पूरी केयर करें और इसको एक बार अपने गार्डन में ज़रूर ट्राई करें। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स, बाय बाय।